बिहार में सभी जूनियर डॉक्टर और एमबीबीएस इंटर्न आज से कार्य का बहिष्कार किया है। पीएमसीएच समेत राज्य के सभी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर ने कामकाज ठप कर दिया है और इससे पीएमसीएच सहित 9 मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा बाधित हो रही है। पीएमसीएच में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ओपीडी बाधित होने से मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है और बिहार के सभी सरकारी कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर और एमबीबीएस के इंटर्न सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में पटना के पीएमसीएच, दरभंगा के डीएमसीएच, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच समेत बिहार के 9 बड़े सरकारी अस्पतालों पर इसका असर पड़ रहा है। वही 5 सूत्री मांगों को लेकर ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सर्जरी में भी योगदान नहीं देने का निर्णय लिया है और इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी सेवा को 2 दिनों तक बाधित किया था। कोरोना द्वितीय लहर में हम लोग सबसे आगे बढ़ चढ़ कर काम किए, सब पेशेंट को टैकल किए, सिचुएशंस को हैंडल किए। बिहार ने सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसमें हम लोगों ने फ्रंट वर्कर की तरह काम किया और हम लोग के साथ हमेशा से भेदभाव होते आया है। हम जूनियर डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है और दूसरा डिमांड है कि जो MBBS इंटर्न है उनका जो स्टाइपेंड बढ़ना था 2017 में ही लास्ट टाइम बढ़ा था और जनवरी 2020 में बढ़ना था जो अब तक नहीं बढ़ा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और भी कुछ हमारी मांगे हैं, जो बॉन्ड पीरियड में स्टडी लीव होना चाहिए, इन सब को नियमावली में ऐड किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के नॉट ओनली PMCS, पूरे बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और MBBS इंटर्न आज से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जो कि अनिश्चितकालीन है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, देखिए इससे पहले भी ये जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया था और एक बार फिर से बिहार में सभी जूनियर डॉक्टरों ने आज कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में क्या इनकी मांगे सभी जूनियर डॉक्टरों की? देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पर पीजी के काउंसलिंग की डेट के साथ जो कोरोना संक्रमण में इन लोगों का कहना है कि हमने काम किया, सरकार ने कहा था कि इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, साथ ही इनका जो स्टाइपेंड का है मुद्दा, ये काफी दिनों से सरकार के पास लटका हुआ है जी। 3 प्रमुख मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के आज से पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने पूरी तरह से कामकाज बहिष्कार कर दिया है जी। आप सीधे तौर पर कहें कि हड़ताल पर चले गए हैं और ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा को बाधित कर दिया है। अब पिछले बार जो इन लोगों का स्ट्राइक था या पिछले बार इन लोगों ने जो कार्य बहिष्कार किया था वो ओपीडी सेवा से किया था जी। ये लोग इमरजेंसी में काम करते थे, इस बार इन्होंने इमरजेंसी भी कर दिया। इसका सीधा मतलब है ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। इनका अभी पीएमसी से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है जी। और सरकार को इन्होंने कहा है कि अगर 1 से 2 दिनों के अंदर में अगर इनकी मांगों पर स्वास्थ्य विभाग ने लिखित आश्वासन नहीं दिया या सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई तो ये लोग पूरी तरह से कामकाज ठप कर देंगे, मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे जी। ये बहुत कह सकते हैं कि बड़ी चेतावनी है। और आपको पता है कि जो 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर ही काम करते हैं, उन्हें बिहार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माना जाता है जी। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है करिश्मा, मैंने देखा पीएमसीएच में छपरा से लोग आ रहे हैं, लोग मोतिहारी से आ रहे हैं, लोग दरभंगा से आ रहे हैं, लेकिन उनका न तो इमरजेंसी में उनका इलाज हो रहा है और ना ही उनका कह सकते हैं कि इलाज हो पा रहा है ओपीडी में, और सभी लोग वापस जा रहे हैं। अब बिहार की गरीब जनता से पीस रही है, देखना होगा क्योंकि हड़ताल शुरू हो गया है पूरी तरीके से। अब स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल प्रबंधन, जो कॉलेज का प्रबंधन, क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन अधिकारियों को इनके हड़ताल की सूचना दे दी गई है और अब थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा करिश्मा, दोपहर के बाद, कि सरकार ने क्या पहल किया और क्या इनका हड़ताल लंबा चलेगा या लोगों को भी और आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। करिश्मा बिल्कुल मरगूब, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।